जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह का। सज्जाद भाई, एक है आयशा खान, वो अभी लास्ट जो एपिसोड किया था वो उसमें इतनी परेशान हुई हैं आपके लिए। उन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया है कि आपको सलाम पहुँचाओ, क्या कि सज्जाद भाई ऐसी जगहों पे ना आया जाया करें। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि अपनी जान की हिफाजत किया करें और बताया और कह रहे कि आप अपनी केयर करें। कहते हैं मैं तो रो पड़ी थी वो मसल वो देख के सीन को चीज़ को। तो ये हमने पहले भी से डिस्कस की थी कि फिज़िकल लेवल को ज़रा सा अवॉइड किया करें। तो वो उनकी दुआएं बहुत आपके लिए और बहुत उन्होंने क्या कहते हैं आपके लिए सलाम पहुँचाया। आयशा खान साहिबा वालेहा वालेकुम अस्सलाम। ये जो आपका एहसास है ना कि आपके आंसू आ गए, सही, आपका दिल जो है ना हमारे लिए वो तकलीफ़ वो डर वो खौफ महसूस किया, मोहब्बत आपकी एहसास यही पहुंचता है, यही बचा भी लेता है हमें। हमारी ना जॉब कुछ ऐसी है, काम कुछ ऐसा है, हम ऐसी जगहों पे चले गए हैं, उसके बावजूद भी हम ख्याल रखते हैं कि अपने लिमिट्स को क्रॉस ना करें। सही। कहीं मजबूरी भी बन जाती है थोड़ा सा अग्रेसिव होने की, कहीं टीम को भी एक सपोर्ट चाहिए होती है कि अगर हम ही ढीले हो गए तो बाकियों का क्या होगा ना। फिर वो तो टीम हमारी ऐसी है कोई दूसरे से पूछता नहीं है कहाँ जाना है। आप यकीन करें आज के दौर में नफसा नफसी का दौर है, इसमें कोई दूसरे से ये सवाल नहीं पूछता, हाँ भाई किधर जाना है, क्या टाइम होगा वापसी का, कुछ खाने को मिलेगा पीने को मिलेगा, वॉशरूम होगा वहां पे, कोई सवाल नहीं है जी, चलें देखी जाएगी। सही। तो ये यकीन अल्लाह पाक बरकरार रखें, मोहब्बत अल्लाह पाक बरकरार रखें, वही डालते हैं दिलों में मोहब्बत, और समझ लें कि आपकी दुआएं मोहब्बत ही है जो ये काम करवाए जा रहे हैं हमसे, ये कर नहीं सकते, सोचना दूर की बात करना तो बहुत ही मुश्किल। तो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, सिर्फ आप नहीं कई कई ऐसे हैं, मैं वो राज में रहने दें, लोगों की मोहब्बतें हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। शिराज भाई मैंने बीच में आपको बताया था नवाफिल पढ़े जाते हैं हमारे, सदके दिए जाते हैं हमारे, हमारी नज़रें उतारी जाती हैं, बहुत मुकद्दस मुकद्दस जगहों पर जाके हमारा नाम लिया जाता है, हमारी टीम का नाम लिया जाता है। गायबाना हम पर कई वालदाएँ हैं, कई माएँ हैं, बहनें हैं जो गायबाना हम पर ना दम करती, दम पढ़ पढ़ के फूकती हैं हमारी तस्वीरों पर वीडियोज पर। तो इसका कोई नेमुल बदल है नहीं मेरे पास, ना नेमुल बदल हो सकता है इसका, बस ये होता है कि अल्लाह पाक अगर जरिया बना के दिखा रहे हैं कुछ तो उनकी मेहरबानी है, और ये कोशिश रहती है कि जहाँ जाना पड़े तो चले जाते हैं, देखी जाएगी। What is this? सर वीडियो देखी आपने? यार वीडियो तो मैंने देखी है, वो बहुत ही मतलब वीडियो भी बहुत खौफनाक है कि आंखों के सामने ऑन रिकॉर्ड कि कोई अजीब मखलूक चीज हवा में कहां से उड़ती हुई आ रही है और इनके घर में आके गायब हो जाती है। गायब हुई यार, रोशनी का गोला है यार, वो आपका गोला है या रोशनी का गोला है, क्या है, नूर का गोला है, वो हवा में घूमता हुआ आया। मुझे शुरू में लगा कोई जुगनू उड़ता हुआ आ रहा है, कोई और कोई लाइट है, कोई पता नहीं कोई ड्रोन है, क्या चीज है, लेकिन वो इतनी सी चीज इतनी दूर से रिकॉर्ड हो रही है और आके इनके घर में गायब हो गई। कैलिफोर्निया से भेजी हमें वीडियो, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां कैलिफोर्निया में ये वीडियो। यार मैं वाकई यकीन नहीं कर रहा, ये देखिए ये, अच्छा इसका आना देखिएगा, नजर आ रहा है आपको? जी ये देखिएगा जी, यहाँ से ये एकदम वाजे होती है ऊपर से यूं जी, फिर ये यूं ऊपर तो से निकली है, ये आई जी, ये दरख्त के ऊपर से ये हार्ड होता जा रहा है, सॉलिड हो गया वो, ये देखिए ये 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 गायब, ये यहाँ गायब हो गया। हाँ अच्छा एक ख्याल ये भी आता है कि एक बर्फ होती है, स्नो बर्फ, एक ख्याल आता है कि वो है, लेकिन
ये उड़ती तो नहीं है वो, ऐसे बर्फ ऐसे लग नहीं, रहा था पर है इसके। बर्फ तो सजा भी एक थोड़ी होगी, वो तो मतलब बरसती है। हाँ जी, फिर एक इंसेक्ट का कीड़ा मकोड़ा जी, ख्याल उसका भी जाता है, लेकिन वो गायब कहाँ हो गया? हाँ लेकिन वो ऐसे लगा जैसे कि इस लोहे की रॉड में कहीं साइड में चला गया या नीचे चला गया। यहाँ यहाँ आया है। यहाँ और वो इतना सॉलिड है, उसका थोड़ा सा मेरे ख्याल से शेडो भी बना है शायद ये देखिएगा यहाँ पे। देखें वो जब जमीन पे आया है ना इसकी ना, मैं चाहूंगा इसकी जो है ना, ट्रांस। आप इसका आना देखिएगा, ये देखें एक ही आ रहा है, पहले ऊपर से यूं, फिर ये साइड पर इधर, ये भी हैरान है, व्हाट इज दिस, और ये गायब। एंड इट्स गॉन। आप हैं जी हरजीत कौर, अच्छा जो ये रिकॉर्ड कर रही थी खुद वीडियो, रिकॉर्ड करेंगे। जी, जिन्हीं अच्छा की आवाज है पीछे कि सही, व्हाट इज दिस एंड इट्स गॉन। ये नासा में काम कर दिए क्यों? यार, इन्होंने इतने और रिकॉर्ड किए हैं, अभी तो आप इतने रिकॉर्ड किए हैं। मैं तो जो मेज बना रहा था मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा भाई ये कौन है ये सर जिन्होंने इतनी ऑब, ग्रैबिंग की है। सिर्फ हाँ ऑब्स नहीं, इन्होंने वो रिकॉर्ड कर लिया है जो आज से पहले किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया, इंक्लूडिंग हम लोगों ने भी कम किए जो हमने ऐसी चीज कभी रिकॉर्ड नहीं की कि ये या आप प्रॉपरली कोई चीज हवा में उड़ती हुई आके गायब हो गई। इन्होंने ब्लैक ऑर्ब रिकॉर्ड किया है, मैंने आज तक नहीं देखा यार ब्लैक ऑर्ब। सर माशाल्लाह, आप हरजीत कौर हैं, सही, कैलिफोर्निया से आप ही ने हमें वीडियो भेजी है, और इनके साथ, ये तो आपने एक वीडियो देखी ना, इन्होंने कई वीडियोस बनाई हैं, कई तस्वीर बनाई हैं, अपने घर के बाहर सैकड़ों ऑब्स रिकॉर्ड किए हैं, ब्लैक ऑब्स रिकॉर्ड किए हैं, ऐसे ऑब्स भी रिकॉर्ड किए हैं जिसमें चेहरे नजर आ रहे हैं। खौफनाक चेहरे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ऑब्स पहले, ये देखें ये जी, ये आई हवा में दो एक साथ, थोड़ा ऐसा लग रहा है आंखें हैं, ब्राइट कर दें। ये देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये पीछे कोई मखलूक है और जिसकी दो आंखें हैं। सही, कितनी खौफनाक है और यार। अगर आपको याद हो, हमने भी जब एक चीज रिकॉर्ड की थी जो दरख्त के अंदर डाइल्यूट हो रही थी, महलूल हो रही थी, उसमें भी आपने चमकती हुई आंखें रिकॉर्ड की थी। जी, और ये हाइट देखें कितनी ऊंची हाइट है यार। ऐसा लग रहा है कोई मखलूक है जिसकी दो आंखें वाजे हुई हैं। सही, देखते जाइएगा बस आप, एक के हैरान बाद हो एक जाए आज, आज देखते खूब हैरान जाइएगा हो जाए देखें आज कि एक खातून, एक औरत जो है ना, उसने क्या किया है। यार, जिगरा इनके ऐसी जगह खड़े होकर इन्होंने रिकॉर्डिंग की। ये जी इनका घर है, घर के बाहर, ठीक है, ये दरख्त देख रहे हैं, एक और ये देख रहे हैं आग का ओए गोला, वाकई आग का गोला है ये। और ये बकायदा मूव हो रहा है, ये आग है जी, फ्लाइट देखिए ले रहा है ये ना। ये यहाँ से वहां जा रहा है, जी और आग हमें पता है कि ये जिन्नात, जिसको कोई जीनी भी कहते हैं, डिजिन भी कहते हैं। जिन जिन भी कहते हैं, तो ये इनकी मखलूक, इनकी तखलीकी आग है, बने ही आग की लपट से ये आग का गोला इन्होंने रिकॉर्ड किया है अपने घर के बाहर ही। इसकी इंटेंसिटी देखें कितनी स्ट्रांग है, जी कि उस पीछे से ब्लैकनेस ही नहीं दिख रही जी जो जी मुझे। बहुत बहुत से कहते हैं ना कि अपनी फॉर्म में, जिसे कहते हैं, ये देखिए जी। जी।